तो ये सब देखते हो मोबाइल पे तुम? नहीं सर, वो बायो सर ने बोला था कि रिप्रोडक्शन खुद पढ़ लो, तो बस। अरे वो सर रिप्रोडक्शन चैप्टर। चुप, शर्मा रही है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्किप करवा कर खुद के 5-5 बच्चों का प्रोडक्शन करवा रखा है और 4 बच्चों की फीस माफ करवा रखी। सॉरी सर। सॉरी नहीं, पनिशमेंट बताइए आप सब लोग इनके लिए। जैसे प्राचीन काल में रोम में होता था, इन दोनों को सांड के अंदर घुसा के क्रूसीफाई कर देते। उससे कुछ नहीं होगा सर, टांग चीर के 180 डिग्री का कोण बना देते। हाँ हरभजन सिंह, ये हुई बिल्कुल नई और अनोखी सजा। अब होगा टीचर पेरेंट मीटिंग, जिसमें तुम दोनों के पेरेंट्स को मैं करूंगा ह्यूमिलेट और दूंगा तुम दोनों के हाथ में टीसी। सॉरी सर, नहीं करेंगे। हरभजन सिंह, बुलाओ इनके पेरेंट्स को। कौन देखते हैं? अकेले अकेले। अबे पीटीएम के बाद मार मार के मेरे बाप ने मेरी गांड का चबूतरा बना दिया था। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, पीटीएम के बाद ना मेरे बाप ने मुझे मार मार के आईसीयू पहुंचा दिया था। क्या बात कर रहा है? पीटीएम के बाद मेरे बाप ने मार मार के मुझे शमशान पहुंचा दिया था। आज तक मेरी आवाज स्कूल में गूंजती है। हेलो 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 हेलो। भाई तेरी तो माँ आ रही है, कहीं मेरा बाप जानिया के सामने ही मेरी कुटाई न कर दे। तू टेंशन मत ले, तेरा बाप जानने के आगे तेरी पिटाई नहीं करेगा। हर बार की तरह घर जाके ही पेलेंगे तेरे को। मुझे भी यही लग रहा है भाई। सनी के पापा किधर रह गए? सर वो पीटी सर के डर से थोड़ा, आप मुझे बता दीजिए क्या बात है। मैं कैसे बता दूं? मैं एक काम करता हूँ, मैं समीर के पापा को बता देता हूँ। समीर के पापा सनी के पापा को बता देंगे और सनी के पापा आपको बता देंगे। अरे सर ये बगदाद से दिल्ली वाया आगरा आने की क्या जरूरत है, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। पॉर्न देख रहा था आपका बच्चा। देख रहा था? अरे सर हमारे घर में रफ्ते बनती है जी। बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, बना के आपके लिए भिजवा दूंगी। पॉर्न फिश? बहन जी पॉर्न नहीं, वो प्रॉन फिश होता है। अच्छा तो ये पॉर्न क्या होता है? क्या किया तूने अब? हाँ तो घर आते ये देखता हूँ मैं। अब आपको पता है आपके बेटे समीर ने क्या किया है? क्या किया है मेरे बेटे ने? बहन जी आप 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं। ये क्यों जाएंगी बाहर? आप बताएंगे ना क्या किया है मेरे बेटे ने? पॉर्न देखा? पॉर्न? पॉर्न? क्या पॉर्न? बीएफ। क्या बीएफ? अरे नग्न चलचित्र, पॉर्न हब, विराज कुंद्रा, ब्लू फिल्म, आई समझवाद, ये सब देखा आपके बेटे ने। ब्लू फिल्म ना? हाँ? तो पॉर्न पॉर्न क्या कह रहे थे आप? हाँ मतलब यही सब देखा है आपके बच्चों ने। नहीं हम कैसे मान ले? पूरे स्कूल ने देखा है। बताइए, देखा पूरे स्कूल ने है और सजा हमारे बच्चों को मिल रही है? उनको ब्लू फिल्म देखते हुए पूरे स्कूल ने देखा है। और आप ना ये बात को घुमाइए मत, मैं आप दोनों के बच्चों की टीसी काट रहा हूं। काट के दिखाइए। ओहो हेलो पीटी सर, आप कहां हो? सर क्लास के कुछ लोग निकल के भारत पाकिस्तान मैच के बाद भी बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनना चाहिए, उन्हीं को दौरा दौरा कर पेल रहा हूं। अरे आप यहां जल्दी आओ नहीं तो ये पेरेंट्स मुझे पेल देंगे। अरे कुछ नहीं होगा सर, आपको मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। एक्सक्यूज मी गीता बबीता,
जानिया, आई वॉन्ट टू कन्फेस, तुम्हारे भाई को मुर्गा मैंने नहीं सनी ने बनाया था, और ये पॉन ये सब मैं नहीं देख रहा था यार, मैं पॉन देखने वाला लगता हूँ क्या? लगते तो हो, बट एनीवे ये, लेकिन तुम समझ रही हो ना, पीटीएम के बाद शायद मुझे स्कूल से निकाल देंगे, मेरे पिताजी भी मुझे गांव भेज देंगे, साउथ बॉम्बे, समझ रही हो ना? हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कुछ भी तकलीफ हुआ हो तो, सॉरी यार। इट्स ओके। जानिया, अब चूंकि मैं जा ही रहा हूँ तो अंतिम बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है मेरा यार, हर एक से वफा करता है, बट आई लव यू। करवाली बेइज्जती भाई, तुमने रहने कहाँ दी इज्जत जो बेइज्जती होगी। सनी समीर, आप दोनों को ना प्रिंसिपल ने बुलाया है। हाँ तो अभिषेक रास्तू, जरा इनको बताओ कल कॉरिडोर में सनी और समीर क्या कर रहे थे। सर, सनी के फोन पे एक लिंक आई और उसे ओपन करते ही हाँ की आवाज आने लगी सर। तो वो तो मारधाड़ की आवाज भी हो सकती है। मारधाड़ की आवाज और आंखों की आवाज अलग होती है। हरभजन सिंह, ये देखिए, ये देख रहे थे आपके बच्चे कॉरिडोर में, रोकिए तो सही। प्रिंसिपल से पहले प्लंबर थे क्या? प्लंबर? छी। प्रिंसिपल होके खुद ऐसी हरकतें करते हैं और इल्जाम हमारे मासूम बच्चों पे लगाते हैं। अरे नहीं बहन जी, आपकी कंप्लेंट तो ना मैं डीएम से करूंगी। जाएगी नौकरी, बिल्कुल जाएगी नौकरी, जाएगी आप भी देख लेना। अरे मैं नहीं बहन जी, मैं सुनो। ओ भाई, ये किया कब, कैसे? थैंक यू भैया हेल्प के लिए। थैंक यू से काम ना चलेगा छोटे। तो एक नंबर छोटे, चल आप चाबी दे। क्यों, आपके पास अपनी बाइक है तो सही। अरे पर तेरी EMX जैसी इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। और वैसे भी मैं आज अपना DL लेकर नहीं आया हूँ, तो मैं अब पेट्रोल के बचे हुए पैसों से तेरी भाभी को CCD घुमाऊंगा, समझा? अब इसमें बैटरी वगैरह तो है ना? हाँ हाँ भैया, फुल बैटरी है, और अगर एक बारी के लिए लू भी हो गई ना तो घबराना नहीं, 3 घंटे में कहीं भी चार्ज हो जाती है। क्या बात है यार, एक नंबर छोटे, एक नंबर। चल मैं निकलता हूँ, हट हट। मेरा काम हो जाएगा? अरे हो जाएगा पक्का। अरे हो जाएगा, सब लिंक विंक सब करके दूंगा, मम्मी कसम, पापा कसम, अरे सबकी कसम भाई, सबकी कसम। आराम से चलाना सनी। हरभजन सिंह, जाके मेन गेट खोल दो। क्यों सर? क्योंकि स्कूल में पुलिस आ रही है। सर पुलिस? पहले स्कूल में पॉर्न देखते हुए धराते हो और बचने के लिए प्रिंसिपल का फेक वीडियो बनाते हो। हरभजन सिंह, TC काटो इनकी। अरे सर, TC काटने वाले क्या बातें हैं, मासूम बच्चे हैं बेचारे, गलती हो गई इनसे, माफ कर दीजिए। सर बच्चों से ही गलती होती है, एक चांस तो मिलना चाहिए सर। एक चांस, ठीक है। परसों मैथ्स का 50 नंबर का एक यूनिट टेस्ट है, क्वेश्चन मैं खुद सेट कर रहा हूं। 40 से अगर एक नंबर भी कम, यानी 38 अगर आपके बच्चों को आता है तो TC सीधा आपके घर भिजवा दूंगा। देखते सब है पर बताता कोई नहीं, पर PT सर की नजर से कोई बच भी नहीं पाता। तो अगर आप PT सर की नजर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू ऑल राइट।